आज भाई राकेश जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, बहन सुमन जी के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में बहनें और या हरियाणा प्रदेश में भाई श्री त्रिलोक जी और भाई चंद्रदेव जी के मार्गदर्शन में उनके पुरुषार्थ से जो काम हुआ है वह अपने आप में एक आदर्श संगठन का कार्य यहाँ पर हुआ है। इसकी नींव भाई राकेश जी ने डाली और उसको पुष्पित पल्लवित किया है भाई त्रिलोक जी ने और भाई चंद्रदेव जी अब और ऊर्जा से लगे। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद के बाद संगठन की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पूज्य महाराज श्री, उनका बहुत बड़ा अनुग्रह हम पर सदा रहता है और मुझे ये तो नहीं पता हम कौन से सन में जुड़े थे, लेकिन ऐसे लगता है हमेशा जब भी मैं महाराज श्री को देखता हूँ, जैसे गृहस्थ लोग तो कहते ही हैं कि भाई ये भगवान का विधान भी है कि संबंध तो भगवान की ओर से ही तय होते हैं। यह महाराज श्री को भी जब मैं देखता हूँ तो ऐसा ही लगता है कि न जाने कितने जन्मों के साथ ये महाराज जी का साथ था, है और रहेगा। महाराज श्री को एक बार सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और उनको प्रणाम है। अपने आशीषों से हमें अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज, आज जिस उद्देश्य को लेकर के स्वामी जी कुलाचे भर रहे हैं इस तपती हुई गर्मी में, सबकी आशा के केंद्र, वो मैं तो बहुत बार कहता हूं और मुझे ऐसा लगता है दिल से, अंदर से, आत्मा से कि हमारे ही कोई नाथ परंपरा के उस 9 नाथ 84 सिद्धों में से ही कोई योगेश्वर पुनः इस आधुनिक युग में स्वामी रामदेव जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुआ है। ऐसे हम सब के चहेते पूज्य स्वामी रामदेव जी जिस मिशन को लेकर के चले हैं, हमारे ऋषि मुनि सदैव से ही लोक कल्याण की भावना को लेकर के चलते रहे हैं। स्वामी जी की ये पीड़ा कोई अकेले स्वामी जी की नहीं है, ये भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की पीड़ा है। चाहते तो स्वामी जी आज भौतिक दृष्टि से जो सांसारिक सुख सुविधा वैभव यश पद प्रतिष्ठा या भाई जिनके चाहने वाले भक्त कहो, शिष्य कहो, भाई कहो, जो करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन नहीं, सभी के सुख के लिए और सभी की संपन्नता के लिए, सभी के आराम के लिए, सभी की उन्नति और तरक्की के लिए स्वामी जी ने एक बीड़ा उठाया है। मैं तो सदैव कहता हूं कि इस तपती हुई दोपहरी में अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो दूसरों के लिए और तप करने के बाद ही कुछ प्राप्ति होती है, तो स्वामी जी तो उस तप में लगे हुए और उस प्राप्ति का फल सदैव संसार को मिला है। समुद्र मंथन हुआ, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकली। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने ले ली, एरावत जो है हाथी भगवान देवराज इंद्र को मिला, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वरण किया और फिर उसमें जब मंथन होता है तो भाई हलाहल विष भी निकलता है। और तब देखा कि किसको पिलाएं, तो भाई एक बाबा जी बैठा हुआ दिख गया कि भाई ये भोले बाबा को पिला दो। विष पीने वाला, अपमान का विष पीने वाला, वही शिव कहलाता है। और स्वामी जी उस विष को, चाहे कोई कितना ही कुछ भी करे, कितना ही विष पिलाए, उस विष को पीने के लिए तैयार है और उस शिवत्व को प्राप्त जो है स्वामी जी किए हुए हैं, उस हलाहल विष को
अपने अंदर धारण किए हुए हैं इस संसार के लिए, और हमेशा जो है हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने सदा यही तो काम किया है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग में स्वामी रामदेव जी जैसा महान पुरुष हम लोगों के बीच में विचरण कर रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर स्वामी जी महाराज का हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और भाई स्वागत तो हम 24 घंटे अंतर मन से करते ही रहते हैं। यहाँ में